हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ीगनो की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है दुर्गा पूजा स्पेशल बिना प्याज लहसुन का दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बॉइल्ड किया हुआ आलू, अदरक का पेस्ट, टमाटर, हरा मिर्च, काजू, मगज, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दही, नमक, हल्दी, हींग, घी, सरसों का तेल और साबुत मसाला में है सूखा मिर्च, तेज पत्ता, शाही जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और स्टार एनिस। पहले काजू, मगज, मिर्ची और थोड़ा सा दूध डाल के पेस्ट बना लिया। आलू को 70% बॉईल करके छिलका निकल के रख दिया। मैंने यहाँ पे नया आलू लिया है। नया और छोटा आलू से ही दम आलू ज्यादा अच्छा बनता है। अभी इसको ऐसे छेद करना है। छेद करने से बॉईल भी अच्छे से होता है और मसाला भी अंदर तक जाता है। अभी कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल से ही ज्यादा अच्छा बनता है। तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें आलू डालना है। फिर नमक और हल्दी डाल के फ्राई करना है। फ्राई करना हो गया है, अभी इसमें साबुत मसाला डालना है, सूखा मिर्च, थोड़ा सा चीनी भी डालना है, फिर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, आधा स्टार एनिस और 4-5 लौंग डालना है। अभी इसको 30 सेकंड फ्राई करना है। फिर 1/2 टीस्पून शाही जीरा और 2 तेजपत्ता डालना है। फिर 1/4 टीस्पून हींग, अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डालना है। अभी इसको 1 मिनट तक भूनना है। 1 मिनट बाद 2 कटी हुई टमाटर डालना है। अभी इसको लो फ्लेम में ढक्कन से कवर करके कुछ देर कुक करना है। टमाटर गल गया है, अभी इसमें सूखा मसाला डालना है। पहले जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल के कुछ देर भूनना है। फिर 1/2 कप दही में थोड़ा सा नमक चीनी डाल के मैंने फेंट लिया। अभी फ्लेम को लो करके दही को डालना है। फिर कुछ देर भूनना है। भुनना हो गया है, अभी इसमें काजू, मगज और मिर्ची का जो पेस्ट बनाई थी वो डालना है। अभी इसको भी कुछ देर भुनना है। तेल छोड़ना शुरू हो गया है, मतलब भुनना हो गया है। अभी इसमें फ्राई किया हुआ आलू डालना है। फिर कुछ देर कुक करना है। अभी इसमें गर्म पानी डालना है। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अभी ढक्कन से कवर करके लो फ्लेम में कुछ देर कुक करना है। कुक करना हो गया है, आलू पूरा बॉईल हो गया है। अभी इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून घी डालना है। आप इसमें कसूरी मेथी या तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। अभी इसको ढक्कन से कवर करके गैस बंद करके 10 मिनट रखना है। बस रेडी हो गया है बिना प्याज लहसुन का दम आलू। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।